क्यों इतना नाराज? अच्छा नाराज ना हूँ, तुम दोनों भाइयों ने मुझको बना लिया गिल्ली डंडा। क्यों है, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ। है मैं कहाँ गई, कहाँ लुका दिया तो तुम्हारे बगल? हमें मालूम था कि तुम ऐसा करने वाली। अच्छा उसी के कारण ही मेरा व्यवहार हो रहा था। और सुंदरी जी, हाँ देवी जी, हाँ मैं सुंदरी हूँ। हाँ तो मुझे विवाह अभी तक आपका हो गया होता अगर इस वेश में आप पहले आती। अच्छा हाँ तो पहले तो नहीं बताया। इस वेश में आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आए मुझे क्या मालूम कि तुम्हें मुर्रा भैंस पसंद। अपनी अपनी पसंद होती है तो मैं यही बन के आती। तो अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, बस चले चले डीजे लगूं है, डीचिक डीचिक डीचिक। इसको भांगड़ा करे, I love you। अरे रोको, इलू इलू जबरदस्ती नहीं। हेलो अरे अभी तो कह रहे बहुत सुंदर हो तुम, तो बात तो सुनोगी। हाँ सुंदर तो है आप। हाँ बहुत सुंदर है लेकिन कुछ कमी है। अभी कुछ कमी है तो पूरा कर दो राजा। करेगा मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। कुछ ना करोगे? वो लक्ष्मण करेगा। कुछ तो कर दियो भैया लक्ष्मण। सुनो हाँ। मैं तो कहती हूँ दोनों जाने खट्टो कर लिया। सही है, दो दो पति हो जाएंगे मेरे। तुम्हें तो विवाह कराना है। हाँ चाहे तुम करो चाहे वो चाहे, मैं तो कहती हूँ साथे में। नहीं साथे में नहीं, दोनों साथे में निपट ले। लक्ष्मण करेगा। अरे दोनों का विवाह हो जाएगा ना मेरे साथ। मेरा हो चुका है ना। और सही ना ये खाले, आप क्षमा करेंगे। आपके पिताजी ने तो तीन तीन विवाह किए हैं। अरे तो वो समर्थवान है, कुछ भी कर सकते। और तुमने हो समर्थवान? नहीं हमने वनवासी वेश में आप देख रहे हैं हमें। वो तो खुद कहते हैं आपके छोटे भाई प्रभु सभा भी कह रहे थे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। अरे तो वो समर्थवान है कौशलपुर के राजा। सुनो तो देवी, वो क्या वो मेरा छोटा, फिर से कहो बेबी। बेबी नहीं, कम सुनाई पड़ता है क्या? देवी कह रहे हैं। देवी मैंने कहा, देवी कह रहे श्री देवी जी। ओहो तैयार है, कहाँ मर जाऊं और खाते ये लक्ष्मण, इनके श्रृंगार में जो कमी है उसको पूर्ण करते हुए आप इनके साथ में विवाह करें, यह हमारा आदेश है। लक्ष्मण तुम्हारे साथ में विवाह करेगा। क्या ये गोरा चिट्टा, शादी करोगे तुम? नहीं करोगे देवी जी? कर लो ना तुम ही। एक से ही करो, वैसे तुम बहुत दो से करना अच्छी बात नहीं है। तो लड़का तुम बहुत हो, स्वभाव है तो मोर तोल पटी ना। विवाह करना चाहती हैं? पठाना पड़ेगा पहले। उद्देश्य लेकर के क्या आई हैं? पठना चाहिए, लड़ाई ना हो। हाँ और लड़ाई अगर हो तो मैं लड़ जाऊँ, तुम ना लड़ जाओ। हम क्या करेंगे? तुम चुप बैठ जा। अच्छा तुम्हारी सुनेंगे केवल? हाँ। अच्छा जैसे 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 कैसे जैसे? अरे बताओगी तो कुछ? मैं कह रहा हूँ कैसे। फिर ठीक है रहने दो, विवाह चाहती हो विवाह हो जाएगा। तो क्या महीने बाद हो जाएगा? अभी होगा, महीनों के बाद नहीं। तो मैं तो अभी बस अभी तो करना चाहती हूँ। हम भी अभी करना चाहते हैं। इतना क्यों भिचक रहे हो? लेकिन आप हमारे पास में आ रही है ना इसलिए। तो मेरी तो पास आने की आदत है। लेकिन अभी मत आइए ना। जो जितना दूर चला जाता है वो दूर ही चला जाता है, चाहे अपना ऊंचा पराया बिल्कुल पास में रहता है वो खास बन के रहता है। बिल्कुल लेकिन अपनापन भी होना चाहिए ना। तो अपनापन है ना? नहीं है ना। क्यों नहीं है? आप अपनापन रखती हैं। वाह देवी जी, अगर अपनापन है तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बस तो फिर लेकिन विवाह के उपरांत, विवाह से पहले हम आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। अच्छा? जो आपका श्रृंगार अधूरा है, विवाह के पहले जो श्रृंगार किया जाता है, हम विचार कर रहे हैं कि उस श्रृंगार को अपने हाथों से करें और उसके उपरांत हम आपसे विवाह करें। जल्दी करो ना। बिल्कुल आइए सिरा पर। लेकिन सुनो मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। कौन सी? यही शर्त है, पहली शर्त ये है कि जैसे हमारी तुम्हारी शादी होगी विवाह होगा तो हिंसा बटाऊंगा। परी ये हमारी बस की बात नहीं है। मैं खट्टो खाना ना बना पाया,
तो फिर हमारा और आपका विवाह नहीं होगा। चल ठीक है, कम कम बना दो पर। तो ठीक है, हम तो ब्याह करेंगे। दूसरी शर्त ये है। दूसरी बताओ। कि मैं हर महीना मायके जाऊंगी, तुम पछयाद ना आया। अरे हम तो कह रहे तुम कभी ना आना। फिर तो फोफोका चले आना। अरे हम नहीं आएगा, हम तो सोच रहे कभी ना आना। तीसरी शर्त ये है। बताओ। लड़का की चट्टी अकेले ना धोए। ये पुत्र कहाँ से हुआ? अभी तो विवाह हुआ नहीं है। अरे तो होगा नहीं क्या? अरे ये तब की तब देखेंगे, अभी की अभी देखो। देखो भविष्य नहीं देखना चाहिए व्यक्ति को। जो व्यक्ति भविष्य को देख करके चलता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। परी रहो करो, तुम खाना खाओ पर। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। और कुछ? हाँ, एक राशि रोज खाए। ये क्या है? एक मसाला होता है, ये लंका में मिलता है क्या? खा के चूल्हे में तो क्यों तुम कोरोना मने। ये तुम्हें जो करना है वो तुम करना। ठीक है, तो आओ इस शिला पर मैं विराजमान हो जाओ, हम तुम्हारा श्रृंगार कर दे। वो शक्तिशाली हो, इस शिला को उठाओ, इधर रखो पहले। ठीक है, मैं उठाऊ? मैं तो एक छिन्नी से उठा दूंगी। हाँ बड़ी शक्तिशाली, ये तुम्हारी माया है भाई। है प्रबल हो। कहाँ रख दू स्वामी? यही पर रखो। ये लीजिए, गिर गई। खड़ी हो जा। बहुत सुंदर। विराजमान हो जाइए। मैं विराज जाऊं? विराजमान हो जाओ। ऐसे बैठा करते हो आप? मैं सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ ना। लंका में क्या इसी तरह से बैठा जाता है? जैसी हूँ मैं निहार रही हूँ तुम्हें। बिल्कुल निहार हो। ऐसे बैठ जाऊं? नहीं ऐसे बैठू। दोनों पैरों को नीचे करके बैठो। मुड़ ना तारे करके बैठ जाओ। मुड़ ना तारे करो, पैरों को नीचे करो। ये लो, ठीक है। अब अच्छी लगे? अच्छी हूँ, लेकिन इस शिला को थोड़ा सा। सही बताओ, अच्छी लग रही हूँ? बहुत सुंदर हो। कसम से, सच में। अब आप कैसी लग रही हैं? आपकी सुंदरता का अगर वर्णन करें तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, कि हम आपकी सुंदरता का वर्णन कर सकें। बीड़ी पीते हो? ये क्या है? बीड़ी होती है ये, हम नहीं जानते। मैं पीती हूँ कभी कभी, गैस सिलेंडर वो गैस बनती है तब पी लेती। ये लंका के पदार्थ होंगे? बहुत पदार्थ है का। ये हमारे पास, हम नहीं जानते इनको। धराइए, कहिए। कभों कभों क्वार्टर ले आओ। ये क्या है? मदरा है वो, क्या है? नहीं, ये मदरा का सेवन नहीं करूँगा। मैं तो करती हूँ कभी कभी। छोड़ देना, तुम्हारे साथ रह के। हाँ ठीक है, तुमसे विवाह हो जाएगा तो छोड़ दूंगी। ये सब कुछ छोड़ देना। आदत डालूंगी छोड़ने की। हाँ अब ऐसा करो, समय निकलता जा रहा है। हाँ हाँ, समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए दोनों नेत्रों को बंद करो, हम तुम्हारे साथ में स्वयं श्रृंगार करेंगे। ठीक है, कर लो। दोनों नेत्रों को मैं भी देखूंगी। एक नेत्र खोले हूँ, एक बंद हूँ। नहीं नहीं, दोनों बंद करोगे। जब दोनों बंद कर लोगी आपका पूर्ण श्रृंगार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में जब आप स्वयं देखेंगे तो उसकी प्रसन्नता कुछ अलग होगी। अगर देखती रहोगी तो फिर श्रृंगार करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सही है, सही है ना? तो दोनों नेत्रों को बंद करो। जी बड़ा अच्छा बोल रहा है। अब मेरा इसके साथ विवाह हो रहा है, और विवाह हो जाएगा ना। विवाह अगर हो गया तो जानता है ये दुनिया, जानती नहीं कि मैं क्या करूंगी। लंका का सर्वनाश। सर्वनाश करा दूंगी लंका का, क्योंकि कहते हैं भाई 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 में चुप आज मैं तो होना जरूर हो। भाई कैसा भाई, जिसे तनिक दया ना आई, भरी जवानी में अपनी बहन के धुआ बनाई। हाँ भरी जवानी में उसने मुझे विधवा बना डाला। मैं यूं ही विवाह नहीं कर रही कि मेरा पति मर गया तो मैं दूसरा विवाह करना होता तो जाने कब कर लेती। मेरे सामान का पुरुष चाहिए था मुझे, इंसान पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार। इनके समान का न पुरुष है और न मेरे समान की नारी, ये संयोग विधाता ने रच और सोच समझ की रखा है, तभी तो हमारा मिलन किया है। अगर मेरा विवाह हो गया
तो उस लंका को सर्वनाश करा दूंगी, क्योंकि कोई ऐसी नारी नहीं होगी, कोई भी ऐसी पत्नी नहीं होगी जो अपने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देख सके। हाँ, उन्हीं स्त्रियों में मैं भी हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई ने मेरे पति का सिर काट डाला, तभी से मैंने शपथ खा ली कि मैं लंका का सर्वनाश करा दूंगी, लंका की एक एक नारी की चूड़ियां तोड़वा दूंगी, उनके मांग का सिंदूर धुआ दूंगी, बना डालूंगी सारी लंका को बंधुआ। अभी विवाह हो जाएगा, फिर देखूंगी। और अब है निखिल राजपूत बिलगांव और रुद्रा राजपूत नगारा घाट, एक से एक मुद्राएं रूपा के सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी आइए, चलो कहीं खो गई थी क्या? चलो भाग चले पूरब की ओर। अरे पहले विवाह तो हो जाने दो। दोनों नेत्रों को बंद करो, अब विलंब नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, वोट बना रहे हो? ये सब नहीं छोड़ो। ये लोग आके बंद किया है। लक्ष्मण तिला घासो नाक कान बनती निकल जा बाहर यहाँ से। बाहर दीवार का प्रस्ताव लेकर के आई थी, बार बार समझाने के उपरांत भी तूने हमारी बातों को नहीं समझा। निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल जा। जिसे लेकर के आना हो सके लेकर के आओ। अभी निकल जाओ यहाँ से। ले थोड़ी रख ले।